हो जाएगा जी बिल्कुल। मोगैम्बो खुश। बॉलीवुड के इतिहास में कई किस्से ऐसे हैं जो दर्शकों के दिलों में आज भी ताजा हैं। ऐसे ही एक किस्से में है अमरीश पुरी का मिस्टर इंडिया के आइकॉनिक किरदार मोगैम्बो को निभाना। एक समय ऐसा था जब अमरीश पुरी ने इस किरदार को निभाने से लगभग मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्हें मोगैम्बो के रूप में कास्ट किया गया तो उन्होंने इस किरदार को अमर बना दिया। हालांकि फिल्म में असली मोगैम्बो अनुपम खेर थे, जिनकी जगह बाद में अमरीश पुरी ने ली। 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में लीड स्टार कास्ट अनिल कपूर और श्रीदेवी से भी ज्यादा चर्चित और यादगार किरदार मोगैम्बो का रहा है। लेकिन अमरीश पुरी ने इस किरदार को निभाने से पहले इनकार कर दिया था। वो मोगैम्बो के रोल को लेकर दुविधा में थे और उन्हें नहीं लग रहा था कि ये उनके लिए सही ऑफर है। यहाँ तक कि उन्हें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। अमरीश पुरी नहीं थे पहली पसंद। मिस्टर इंडिया को लेकर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मोगैम्बो के रोल के लिए अमरीश पुरी पहली पसंद नहीं थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मोगैम्बो का किरदार अनुपम खेर निभा रहे थे और उनके साथ फिल्म की 60% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। IANS को दिए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने इस बात का खुलासा किया था कि मोगैम्बो का रोल पहले उन्हें ऑफर हुआ था। उन्होंने कहा, मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का रोल अमरीश पुरी से पहले मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन 1-2 महीने बाद ही फिल्म मेकर्स ने मुझे रिप्लेस कर दिया। जब किसी फिल्म से आपको निकाल दिया जाता है तो आमतौर पर एक्टर को बुरा लगता है, लेकिन जब मैंने मिस्टर इंडिया देखी और उसमें अमरीश जी को मोगैम्बो के रूप में काम देखा तो मुझे लगा कि फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करके सही फैसला किया। अमरीश पुरी ने कर दिया था इनकार। डायरेक्टर शेखर कपूर जब मिस्टर इंडिया का ऑफर लेकर अमरीश पुरी के पास पहुंचे तब तक फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी थी और इस वजह से अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का किरदार निभाने से इनकार कर दिया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द एक्ट ऑफ लाइफ में किया। अमरीश पुरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मिस्टर इंडिया उन्हें 7% शूटिंग हो जाने के बाद ऑफर की गई। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में कहा कि वो मोगैम्बो को लेकर थोड़ा आशंकित थे क्योंकि आधी से ज्यादा फिल्म पहले ही शूट हो चुकी थी। अमरीश पुरी ने कहा, मैंने खुद से सोचा, इन्हें जब जाकर मेरी याद आई। अमर हुआ मोगैम्बो। काफी सोच विचार के बाद अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का किरदार निभाने के लिए हामी भरी। उनका ये निर्णय फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अमरीश पुरी ने मोगैम्बो को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो न केवल डरावना था बल्कि करिश्माई भी। उनके डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ ने उन्हें सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक बना दिया। सुपर हिट बनी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया रिलीज होने के बाद एक बड़ी हिट साबित हुई। अमरीश पुरी का मोगैम्बो किरदार फिल्म का मुख्य आकर्षण बन गया और उनकी अदाकारी को दर्शकों और समीक्षकों में खूब प्रशंसा मिली। मोगैम्बो का किरदार आज भी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे यादगार खलनायकों में से एक माना जाता है। मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का किरदार निभाना एक ऐसा फैसला था जिसने न केवल फिल्म को एक नया आयाम दिया बल्कि उनके करियर को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।